गाजियाबाद में सर्दी का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है और इस कहर से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो हैं रेल यात्री, जिन्हें ट्रेन की लेट लतीफी के चलते ठंड और कोहरे में रेल का इंतजार करना पड़ रहा है। ये इंतजार कोई मामूली इंतजार नहीं है, बल्कि 5-6 घंटों का इंतजार है, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ढाई घंटे लोकल ट्रेनें लेट हो रही हैं। अच्छा, लोकल ट्रेनें लेट हो रही हैं। हाँ। अच्छा, एक एक दो दो घंटे। हाँ। तो जैसे ट्रेनें लेट होती है, उस जब ट्रेनें लेट होती है उसके बाद आप जो इंतजार करते हैं स्टेशन पे, उसके लिए सरकार की तरफ से जो आपको कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। काफी परेशानी है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई और नहीं है, कोई रूम वगैरह कोई वो नहीं है। रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। कुछ लोग इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्टेशन पर मौजूद दुकानें भी कम बिक्री की मार झेल रही हैं। गलती नहीं निकलती है, क्या करें? कारण? कारण सर्दी का। सर्दी में मतलब लोग बाग कम आते हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा? नहीं। तो सामान ऐसे ही रखा रहता है? हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा थोड़े से निकाला वैसे ही रखा है। कहने का मतलब है बहुत नुकसान हो रहा है कोहरे का सर, आपके खाने पीने में भी पड़ता है। जनता नहीं निकलेगी तो असर। और कितने कितने घंटे ट्रेनें लेट रही थी? घंटे तो ट्रेन तो 5-5, 6-6, 8-8 घंटा चल रही। बढ़ते कोहरे से न सिर्फ लोगों की दिनचर्या पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि जरूरी कामों के न होने से भी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से मानसी शर्मा की रिपोर्ट।